हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जेटेक टेप। और आपने अभी तक जो बोया को जो माइक यूज़ किया होगा, देखिए फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि बोया को जो यहां से यदि आपका माइक टूट जाता है, यहां से आपका तार टूट जाती है और आपका माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे रिपेयर करना है, तो इसका वीडियो मैंने बताया था, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना, तो आपको नया बोया का माइक परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके बोया की माइक की ये पिन ख़राब हो जाती है, यहाँ से क्या होता है, बार बार हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से जो मुड़ता है ना, तो बार बार मुड़ने से यहाँ से तार जो अंदर के तार होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं इस पिन को रिपेयर करके बताऊंगा कि कैसे आपको इसको रिपेयर करना है। क्या होता है, हम बोया का माइक इतना महंगा लेते हैं और या तो माइक्रोफोन के यहाँ से तार टूट जाए या पिन के यहाँ से तार अंदर से टूट जाए, तो हम उसको ख़राब मान लेते हैं और दूसरा परचेस करते हैं, तो एक तरह से पैसा का वेस्टेज है। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पिन को रिपेयर करना है। तो पहले आप बोया का माइक को टेस्ट करना है, तो जनरली आपको भी अंदाज लग गया होगा कि आपका बोया का माइक ख़राब है या नहीं है, तो उसके लिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आप इसको कभी कर जाता है, आप देखिए ये इसमें अलग टेक सेल्फी, ये एक्चुअली में अलग तरह से वर्क करने लगता है, और जो हमारा माइक्रोफोन वर्क करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। देखिए आप कुछ का कुछ खोलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इसको रिपेयर कैसे करना है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसको रिपेयर करने के लिए ये हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक और इस टाइप की, आपको पिन मार्केट से परचेस करनी है। तो ये मैंने मार्केट से परचेस की हुई है और ये इसमें लगी हुई है। अब इसको इसमें लगाना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी तार कहीं भी लगा देंगे आप तो ये पिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो एक तो प्रॉपर वर्क भी करना चाहिए और दूसरा एक चीज़ और देखना है इसमें, तो इसमें प्रॉपर वर्क करना चाहिए तो इसलिए तार का कनेक्शन सही रखना है। और इसको आप देखिए जैक लगा के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए मार्क बन के आ गया, तो समझिए पिन सही लग रही है आपकी, ओके है, आप घुसा सकें उसमें, ये देखिए ठीक है, अभी थोड़ी नई है और ये एक्चुअली कवर भी लगा हुआ है, इस कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसका जो डाया होता है वो छोटा होता है, इसमें चौड़ा होता है, इसलिए कभी कभार क्या होता है मोबाइल में लगने में दिक्कत आएगी। तो इसका क्या है, जो मेटल की जो बॉडी है वो छोटी है, तो वो कवर जो होता है आपके, इस कवर में आसानी से आपके इंसर्ट हो जाती है, देखिए इस तरह से। और इस टाइप की जो होती हैं पिंस, इसका डाया चौड़ा होता है तो इसलिए जो थोड़ी सी बाहर रहेगी, ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, और इसके अंदर जब आप खोलेंगे तो इसमें मिलने वाला है आपको इस टाइप से जो आपके कनेक्शंस हैं, इनमें हम कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पिन देख रहे हैं, इसमें ये आपका आउटर है, इसमें एक तार इसमें जुड़ेगा आपका अर्थ वाला जो इसके आउटर में लगा हुआ, और दूसरा तार इसका सेकंड जो इस बारे पॉइंट में आएगा वो इसके लिए ये दिया हुआ है सेकंड, थर्ड के लिए दिया हुआ है तीसरा वाला राउंड का, जो तीसरा राउंड, और सबसे सेंटर वाला जो है वो है इस पिन के लिए, यहाँ के लिए। तो एक दो तीन चार, मैंने 1 2 3 4 तार इसमें होना चाहिए आपके इस केबल के अंदर, ठीक है ना, इस तार के अंदर। तो अब इसको ओपन कैसे करना है, तो इसके लिए मैं कई जुगाड़ बनाऊंगा, कुछ लगाता हूँ, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें कि हम इसको कैसे ओपन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पिन को परचेज़ करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। और चलिए इसको हम पहले काट लेते हैं, क्योंकि मैं जो जुगाड़ बना रहा हूँ इसको एक्चुअली काट नहीं सकते, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक होती है, यदि आप किसी सी भी चीज़ से आप इसको काटने की सोच रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, मीन्स काटने में बहुत दिक्कत जाएगी, और कोई तार जो है इस पर जो लगे होंगे वो टूट जाएंगे, क्योंकि ये मोल्ड किया हुआ है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसको यहाँ से पहले इतनी दूरी से करीबन इस केबल को काट लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले नंबर इसको यहाँ से काट लेते इतनी दूर से कम से कम अप्रॉक्सीमेट, अब जो भी कनेक्शन करेंगे हम इसमें करेंगे इसके कनेक्शन को देखते हुए। और इसको मैं अब क्या करने वाला हूँ, पिघलाने वाला हूँ, और यदि आप चाहें तो हीटर वगैरह से भी आप इसको पिघला सकते हैं, तो इससे भी आसानी से पिघल जाएगा फ्रेंड्स। तो
मैं दोनों का यूज़ करूँगा, कई जगह मैं सोल्डरिंग यूज़ करूँगा, कई जगह मैं हीटर को यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए कोशिश करते हैं इसको कैसे निकालना है। लिया है तो ये मैंने इसको इस तरह से अलग कर दिया। अब इसमें अभी और भी है प्लास्टिक, इसको भी हम पिघला लेते हैं धीरे धीरे करके, तभी हमें पता चलेगा कौन सा तार कहाँ जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैं सोच रहा था कि इसमें चार तार होंगे, एक्चुअली इसके स्टूडियो पिन है इसलिए इसको देखते हुए, लेकिन कमाल है, बड़ा आश्चर्य हुआ जब इसमें सिर्फ दो तार और एक अर्थ का भी मिला इसमें। तो अर्थ का एक्चुअली ये मेरा सब टूट गया है, तो ये एक अर्थ का है, ये मोटा रहता है और यही केबल को थोड़ा सा सपोर्ट भी देता है जल्दी टूटने से बचाने के लिए। और इसमें दो कलर के तार मिले हैं फ्रेंड्स, इसमें एक ग्रीन है और एक रेड है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किसको कहाँ जोड़ना है। तो इसके लिए मैंने इसको पहलाया था कि इसके कनेक्शन देखने के लिए, जब भी अभी मेरे से टूटा ये सेंटर में लगा हुआ था ग्रीन वाला, और रेड लगा है इसके बाहर आउटर पर, मैंने ग्रीन वाला जो तार है वो इसके लिए है और जो रेड वाला तार है वो उसको मैं चेक कर लेते हैं, और जो अर्थ वाला है जो आउटर केबल के लिए। तो इसके लिए हम इसका सहारा यूज़ कर लेते हैं। सॉरी ये सबसे सेंटर वाला चेक कर रहा हूँ, ये ग्रीन है, ठीक है फ्रेंड्स, एक ये ग्रीन वाला जो सबसे पीछे वाले पिन के लिए लगेगा, मीन्स ग्रीन वाला हमें इसके सेंटर वाली पिन में लगाना है, इसके सेंटर वाले के लिए देना है, ठीक है। और अब इसका रेड वाला अर्थ वाला चेक कर लेते हैं, जो आउटर पे चलता है जो, उसको मैंने यहाँ से टच कर लेता हूँ, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है फ्रेंड्स, सेकेंड वाले सेक्शन में है, मीन्स इसमें हमें अब एक कनेक्शन इस वाले में देना है, पहला कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन इसको खाली छोड़ा जा रहा है, और जो तीसरा जो है हमारा रेड वाला जो आउटर पर है, मीन्स रेड वाला हमें लगाना हुआ इस आउटर पर, इसमें हमें रेड देना हुआ, और सेंटर के लिए हमें ग्रीन ये वाला, और सेकंड के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड का इसमें जे वाला, ये वाला हम सेकंड के लिए यूज़ करेंगे। सॉरी ये वाला है सेकंड के लिए, ये सेकंड के लिए हम यूज़ करेंगे इसको। तो इस तरह से हमने कनेक्शन चेक कर लिया, हम सोच रहे थे चार तार होंगे, चार नहीं निकले, इसमें निकले हैं सिर्फ दो तार, तो कनेक्शन करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए भी। तो फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग मैंने कनेक्शन कर लिए हैं इसके टाँखे लगाकर, तो आप देख लीजिए, मैं चेक कर देता हूँ एक बार फिर से, ये ग्रीन, ठीक है, और सेकंड में दिया है जो खुले हुए तार होते हैं वो अर्थिंग जिसको बोल देते हैं, तो यहाँ सेकंड में हमने भी दिया हुआ है जिस सेंटर को। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लेते हैं ग्लू गन, इस ग्लू गन का वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ, तो वो आप देख लेना कहाँ से परचेस करनी, उसकी भी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। और इससे इसलिए इसको लॉक करेंगे जिससे इसमें शॉर्टिंग वगैरह ना हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से काफ़ी भर चुकी है इसमें, और अब ये क्या है, इससे तार खींचने से यहाँ से आपके टांके इसमें जो लगाए हुए हैं वो टूटेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स ये हुई हमारी रिपेयर, और हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है प्रॉपर। तो इसके लिए हमने अपना मोबाइल में इसको चालू कर लेते हैं रिकॉर्डर में, ये मैंने इसको लगा दिया है, अब हम इसकी रिकॉर्डिंग चालू करते हैं।
हम माइक्रोफोन पर बोलेंगे तो अभी इतनी आवाज़ आपके आ रही है, और ये देखिए हमारे पास से आवाज़ कितना है इसमें रिकॉर्ड कर रही है, और यदि हम माइक्रोफोन पर टप करते हैं देखिए इस तरह से, यदि इस तरह की बार्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये माइक्रोफोन चालू है। क्योंकि फ्रेंड्स यदि हम इसको निकाल देते हैं मान लीजिए, तो अब आप देखें इसमें बार्स कितना आ रही हैं, और इस तरह से यदि हम टप करेंगे तो कोई आवाज़ नहीं, इस तरह से इसमें बार्स नहीं आएंगी। और यदि हम इसको इसमें लगा देते हैं, अब आप देखिए फ्रेंड्स इसमें आवाज़ जो आएगी अब इसकी आएगी, जो भी हम कर रहे हैं इसमें आ रही है आपकी आवाज़। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा रिपेयर। अब मैंने इसको भी रिपेयर करना सिखा दिया, उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, इसको भी मैंने आज रिपेयर करना सिखा दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ नई वीडियो में नई इनपुट साथ, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप माने हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।